हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद अजी। माय नेम इज अजी और जैसा कि आपको पता है कि हमने इंटीजर्स स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट पार्ट में इंटीजर के लास्ट पार्ट में हमने इंटीजर्स के जो बेसिक हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने पढ़े थे। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स के प्लस माइनस के रूल्स जो है हमने पढ़े थे। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट पार्ट में हम इंटीजर्स की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे बोर्ड पे कि हम एक्सरसाइज 1.1 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया है बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। क्वेश्चन कह रहा है कि हर नंबर लाइन पे जो जितने भी प्लेसेस हैं उनका जो टेम्परेचर दिखाया जा रहा है वो डिग्री सेल्सियस में दिखाया जा रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट डाउन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पार्ट क्या कह रहा है कि जितने भी इसमें प्लेसेस हैं नंबर लाइन पे उन्हें ऑब्जर्व करिए और सबसे पहले तो ये बताइए कि उन प्लेसेस का जो टेम्परेचर है वो कितना है। सो पहला हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए की हम बात कर रहे हैं। पार्ट ए की अगर बात करें तो हम जीरो से पहले प्लस की तरफ जाएंगे और पहले उसका जो है जो टेम्परेचर है वो हम मार्क करेंगे। पहली अगर बात करें शिमला की, शिमला तो शिमला पे कितना टेम्परेचर है यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। और जैसा कि आपको पता है कि नंबर लाइन पे जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो उसे हम एज अ पॉजिटिव एक नंबर मानते हैं, एक नंबर जो मानते हैं उसे पॉजिटिव नंबर मानते हैं। तो हम राइट की तरफ जब मूव करते हैं तो पॉजिटिव होता है। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो शिमला का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। सेकंड सिटी जो नंबर लाइन पे है हमारे वो क्या है, वो है ऊटी। ऊटी का जो टेम्परेचर है ऑन अ पर्टिकुलर डे वो पूछा गया क्या है। सो 5 यहां पर आ गया, 10 यहां पर आ गया, 10 के बाद 15 पे देखेंगे आप 15 को मार्क नहीं किया हुआ है, 15 से एक पॉइंट पीछे मार्क किया हुआ है। सो ऊटी का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14। राइट की तरफ चल रहे हैं सो प्लस का 14 डिग्री सेल्सियस। कहां का, ऊटी का। ऊटी का टेम्परेचर कितना हो गया प्लस का 14 डिग्री सेल्सियस। थर्ड की अगर बात करें, किसका टेम्परेचर पूछा है, बेंगलुरु का। बेंगलुरु बेंगलुरु का टेम्परेचर पूछा है। सो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हो जाना है 15 के बाद डायरेक्टली आप यहां देखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 15, 16, 17, 18, 19, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 के बाद कितना पॉइंट आ गया, 1 और 2। सो 21, 22। सो बेंगलुरु का कितना हो जाएगा, राइट की तरफ चल रहे हैं सो प्लस का 22 डिग्री सेल्सियस। ये जो है ये तीन सिटी के टेम्परेचर हमने मार्क कर दिए है, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु। हम राइट की तरफ चले थे नंबर लाइन पे इसलिए एज अ पॉजिटिव। अब आ जाते हैं जीरो से लेफ्ट की तरफ। जीरो से लेफ्ट की तरफ हम जब चलते हैं तो आपको पता है कि उन नंबर्स को, उन इंटीजर को हम नेगेटिव लेके चलते हैं। सो जीरो पहला क्या पड़ रहा है, पहला हमारा पड़ रहा है श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो जाना है, श्रीनगर का टेम्परेचर 1, 2। सो लेफ्ट की तरफ हम चल रहे हैं सो 1, 2। सो 2 प्लेसेस पे हम चले हैं, लेफ्ट की तरफ चले हैं इसलिए नेगेटिव। सो श्रीनगर का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आपको पता है कि श्रीनगर एक जो है कोल्ड प्लेस है, सो इसलिए देखो नंबर लाइन पे भी उसे एज अ माइनस रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, वहां पे जो टेम्परेचर होता है विंटर में
वो लगभग लगभग जीरो से माइनस ही रहता है, सो इसलिए माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। सेकंड प्लेस की अगर बात करें हम, सेकंड प्लेस क्या है, लहुस्पिति, लहुस्पिति। सो लहुस्पिति का टेम्परेचर क्या होगा, श्रीनगर का हम कर चुके हैं -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, सो लहुस्पिति का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। लहुस्पिति का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। एक बात आप नोट करेंगे कि नंबर लाइन पे जब हम जीरो से लेफ्ट में जितना डीपली, जितना आगे तक चले जाते हैं, नंबर उतना छोटा होता चला जाएगा। नंबर का जो वैल्यू है, नंबर का वैल्यू तो दिखेगा आपको बड़ा, नंबर का वैल्यू होगा बिग, बट उसमें क्या है, माइनस का साइन लग गया है। सो जितना बड़ा नंबर होगा, जितना बिग नंबर होगा माइनस के साइन के साथ, वो वैल्यू में उतना ही स्मॉल होगा। जैसा आप यहां देख रहे हैं, श्रीनगर का क्या हो गया, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। लाहौल-स्पीति का हमने देखा माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। सो आप कहेंगे सर माइनस का 8 बड़ा है, माइनस का 2 छोटा है, क्योंकि 8 की वैल्यू ज्यादा होती है। नहीं, माइनस में जितना नंबर बिग हो जाएगा, जितना नंबर बड़ा हो जाएगा, अगर वो माइनस का है तो उसका वैल्यू जो है उतना ही छोटा होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस में अगर कोई पूछे आपसे कि कौन सा बड़ा नंबर है, सो आपका आंसर होना चाहिए माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि माइनस के साइन के साथ जितना बड़ा नंबर होगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा होगा। बात समझ गए आप, ठीक है ना। सो ये पहला पार्ट था क्वेश्चन वन का पहला पार्ट था। सेकंड की तरफ हम चलते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। क्या कह रहा है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे प्लेस के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा, हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस मांग रहा है। सो हम लिख लेते हैं, हम हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस। ओके, सो हॉटेस्ट प्लेस क्या हो जा रहा है, आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस प्लेस का है, किस सिटी का है, वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है सबसे गर्म, सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, सो उसका टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है, हमने लास्ट अभी पार्ट वन में देखा कि 22 डिग्री सेल्सियस है बेंगलुरु का टेम्परेचर। सो 22 डिग्री सेल्सियस तो हो गया हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट प्लेस। कोल्डेस्ट प्लेस देखेंगे आप नंबर लाइन पे कि बेंगलुरु हो गया हॉटेस्ट, और फिर एट द लेफ्ट क्या हो जाएगा, लाहौल-स्पीति जो हो जाएगा सबसे ठंडा प्लेस, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस हो जाएगा लाहौल-स्पीति, जिसका टेम्परेचर है माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। पूछा क्या है कि हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस के टेम्परेचर का डिफरेंस, सो यहां पर हम करना स्टार्ट करते हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस और डिफरेंस पूछा है 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। सो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, क्योंकि डिफरेंस पूछा है किसके बीच में, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस के बीच में, तो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। सो यहां पर आप देखेंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, जैसे कि हम लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो प्लस 8, 22 प्लस 8 डिग्री, सो इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस। सो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया कि हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच के डिफरेंस का आंसर आ गया आपका 30 डिग्री सेल्सियस। कैसे, आप देखेंगे नंबर लाइन से भी देखेंगे कि बीच का डिफरेंस पूछा है ना, बीच का डिफरेंस पूछा है, तो आप इसके बीच में काउंट करें,
इसके बीच में जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं वो काउंट करें, वो 30 आने वाला है। और जैसे हमने प्लस माइनस के जो रूल के अकॉर्डिंग भी किया है तो तब भी हमारा 30 डिग्री सेल्सियस आया। बात क्लियर है ना कि माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, सो आंसर आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चले। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है, तो बता देते हैं। तो लाहौल स्पीति क्या हो जाएगा, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना स्टूडेंट, माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। पहले तो मुझे ये बता दो कि इसमें से बड़ा कौन है, इन दोनों टेम्परेचर में से कौन सा टेम्परेचर बड़ा है। जैसा कि अभी मैंने लास्ट आपको बताया कि नंबर जितना छोटा होगा माइनस के साथ वो नंबर उतना ही बड़ा माना जाता है, सो माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 8। क्लियर है, सो टेम्परेचर डिफरेंस लिख लेते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर है स्टूडेंट, टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच में, लाहौल स्पीति कितना टेम्परेचर है, माइनस 8 डिग्री, सो माइनस 2 माइनस माइनस विल बी प्लस, सो प्लस 8 डिग्री, सो माइनस 2 प्लस 8, सो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 8 माइनस 2 6। और साइन कौन सा आएगा, जिस नंबर के साथ जो जिस बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो आपका साइन आएगा, सो 8 के साथ प्लस है, सो इट विल बी प्लस 6 डिग्री सेल्सियस, प्लस 6 डिग्री सेल्सियस। आप वैसे भी अगर काउंट करेंगे तो जब भी आपको दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ, 6 डिग्री सेल्सियस, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस विल बी 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लास्ट पार्ट पे पढ़े कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर हम कहां कहां का ले लें, टेम्परेचर हम किस किस प्लेस का कह रहा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। बोल रहा है कि अगर शिमला और श्रीनगर, शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर दोनों साथ में ले लें तो क्या वो शिमला से कम होगा, तो देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि शिमला के टेम्परेचर को साथ में ले लेते हैं, टुगेदर मीन्स प्लस, यानी कि ऐड कर लेते हैं अगर कि शिमला के टेम्परेचर को और श्रीनगर के टेम्परेचर को हम ऐड कर लेते हैं तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा या ज्यादा होगा, ये पूछा गया है। सो प्लस 5 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, तो कहता मीन्स प्लस करना पड़ेगा हमें यहां पर, सो 5 प्लस माइनस विल बी माइनस, सो 5 माइनस 2 विल बी 3 डिग्री सेल्सियस, 5 माइनस 2 विल बी 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कह सकते हैं, यस कि अगर शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को अगर साथ में ले लिया जाए तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जब साथ में लिया तो टेम्परेचर आया 3 डिग्री सेल्सियस प्लस में, जबकि शिमला का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस, सो द आंसर विल बी यस कि वो कम होगा। और एक और पार्ट दिया हुआ है इसमें, क्या कह रहा है कि इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। पूछ रहा है क्या ये जो टेम्परेचर जो आया है दोनों को ऐड करने पर, पूछ रहा है दोनों को ऐड करने पर जो टेम्परेचर आया है क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना आया है, श्रीनगर का टेम्परेचर आया है माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, और हमारा दोनों का ऐड करने पर, दोनों का सम अप करने पर, शिमला का और श्रीनगर का टेम्परेचर करने पर आया है प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये इससे कम है, नहीं,
थ्री डिग्री सेल्सियस श्रीनगर से कम है, माइनस टू डिग्री सेल्सियस से कम है? नहीं, क्योंकि ये माइनस टू डिग्री सेल्सियस है और ये प्लस थ्री डिग्री सेल्सियस है। सो आंसर विल बी नो। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये नो क्यों हुआ? क्योंकि उसने बोला है कि दोनों का समअप करने पर जो टेम्परेचर आया है क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है? तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि वो श्रीनगर के टेम्परेचर से बड़ा है, छोटा नहीं है। श्रीनगर के टेम्परेचर से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो इसलिए आंसर आ गया नो। पर पहले वाले का आंसर आया यस। बात क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर वन। इसमें देखेंगे आप कि क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज 1.1 में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, तो वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। सो पहले हम क्वेश्चन नंबर थ्री कर लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे ये नंबर लाइन रेस करनी पड़ेगी। सो पहले क्वेश्चन नंबर थ्री कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की। सो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है? एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5। क्या बोल रहा है? श्रीनगर में टेम्परेचर जो था -5 डिग्री सेल्सियस था। पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर ही देता हूं इसे, इसमें थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी। बोल रहा है श्रीनगर में मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। ओके, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे? क्या कह रहा है कि मंडे को श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो -5 डिग्री सेल्सियस था। ट्यूजडे में क्या होता है? वो 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाता है। तो ट्यूजडे को टेम्परेचर पूछा है, तो टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्या हो जाएगा? उन्होंने बोला है 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस माइनस हुआ है। किसमें से? माइनस फाइव में से माइनस हो गया है 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है कब? ट्यूजडे में। तो ये कितना हो जाएगा? -5 -2। सो माइनस माइनस विल बी प्लस। सो 5 + 2 = 7। 7 डिग्री सेल्सियस तो हो गया, बट किसका? प्लस का या माइनस का? आप देख रहे हो कि दोनों नंबर हमारे माइनस के हैं, प्लस नहीं है। लास्ट मैंने बताया था कि साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, क्योंकि प्लस का कोई बात ही नहीं कर रहा है, प्लस की कोई बात ही नहीं कर रहा है। सो आंसर तो आपका प्लस करके आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन विल बी माइनस। तो ट्यूजडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा? माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस। इसमें एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थ्री में ही एक और पार्ट है। क्या कह रहा है? ऑन वेडनेसडे इट ड्रॉप्स बाय 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दैट डे? पूछ रहा है, कह रहा है कि वेडनेसडे को जो है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, 4 डिग्री रोज कर गया है, सो 4 डिग्री बढ़ गया है। सो क्या करेंगे? टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या हो जाएगा कि जो हमारा टेम्परेचर था ट्यूजडे में, जो टेम्परेचर हमारा ट्यूजडे में था उससे 4 डिग्री बढ़ गया है वेडनेसडे को। तो -7 तो था हमारा ट्यूजडे में, वेडनेसडे में 4 डिग्री बढ़ गया है, सो प्लस बढ़ गया है ना। माइनस करते हैं, अगर घटता, अगर ड्रॉप करता तो माइनस करते हैं, जैसे हमने ट्यूजडे वाले पार्ट में करा। अब बढ़ गया है, सो इसलिए +4। सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, 7 - 4 = 3। सो 3 डिग्री सेल्सियस तो हुआ, बट प्लस का या माइनस का आप बताओगे जल्दी से? क्या होगा, प्लस का या माइनस का? यस, ये होगा माइनस का, -3 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर है? -7 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर वन हमने किया था, ये क्वेश्चन नंबर थ्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन नंबर थ्री कर देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर वन किया था और ये क्वेश्चन नंबर थ्री।
बात समझ में आ गई, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो पॉज करो और उसे थोड़ा सा बैकवर्ड करें और देखें जो भी डाउट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम टू मिस कर गए थे क्वेश्चन नंबर थ्री की वजह से। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक स्कोर इन फाइव सक्सेसिव राउंड वर, कितना है कि पहले राउंड में उन्होंने 25 स्कोर किया, सेकंड राउंड में उसने कितना किया -5, सेकंड राउंड में किया -5, थर्ड में किया -10, ओके, फोर्थ में कितना किया 15 और फिफ्थ में कितना किया 10, ओके, सो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। देखो बोला क्या है कि एक एग्जामिनेशन में कि जो पॉजिटिव मार्क्स हैं वो करेक्ट आंसर के लिए हैं और जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो इनकरेक्ट आंसर के लिए हैं। तो जैक ने फाइव सक्सेसिव राउंड्स में ये स्कोर किया है, फर्स्ट राउंड में 25, सेकंड राउंड में -5, थर्ड राउंड में -10, फोर्थ में कितना है 15 और फिफ्थ में किया है 10। तो पूछा गया है कि फाइनली उसका स्कोर कितना है, एंड में उसका स्कोर कितना है। सो कैसे कर लेंगे, एंड में उसका स्कोर कैसे आ जाएगा कि सारे राउंड्स के जो स्कोर है अगर मैं उसे सम अप कर दूंगा तो एंड के स्कोर आ जाएगा। सही कह रहा हूं, अगर सारे राउंड्स के जो स्कोर है उसे मैं अगर एड कर दूंगा, सम कर दूंगा उनका, तो सारे जो एंड में उसका जो स्कोर आएगा वही उसका फाइनल स्कोर होगा, वही उसका आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है, पांचों राउंड के जो स्कोर हैं मैंने उन्हें क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है, क्योंकि मुझे उसका स्कोर चाहिए फाइनल राउंड के लिए। सारे राउंड के स्कोर को ऐड कर लिया है क्योंकि फाइनल राउंड का मुझे उसका स्कोर चाहिए। सो 25 प्लस माइनस विल बी -5 प्लस माइनस विल बी -10 प्लस 15 प्लस 10, क्लियर है। सो 25 -5 इज 20, -10 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है, क्योंकि 25 -5 इज 20, देन -10 प्लस 15 प्लस 10, 20 -10 इज 10 प्लस 15 प्लस 10, सो 10 20 प्लस 15 इज 35। तो फाइनली उसका जो एंड में स्कोर है वो कितना आ गया 35। बात क्लियर है, क्या क्या बोला गया था कि जैक ने पांच राउंड में ये स्कोर किया है, ये पांच राउंड का स्कोर दिया हुआ है और उसका एंड में स्कोर पूछा गया है। एंड में स्कोर कैसे आ जाएगा कि अगर हम पांचों राउंड के स्कोर को ऐड कर लेंगे तो उसका एंड में स्कोर आ जाएगा जो कि आ गया 35, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना, बात क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन हो गए देखो ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, आप इसे कॉपी करना चाहे अपने कॉपीज में सो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, नंबर फोर की तरफ हम मूव करेंगे। पहले एक बार रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक प्लेन है, एक प्लेन है एक प्लेन है जो आपका सी लेवल
सी लेवल मीन्स कह सकते हैं कि अर्थ पे से जहां पे हम खड़े हैं, कह सकते हैं समझने के लिए उस चीज को कह सकते हैं कि हम जहां पर अर्थ पे खड़े हैं तो सी लेवल से सी लेवल से एक प्लेन जो है 5000 मीटर अबव क्या कर रहा है, उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है। और ठीक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक सबमरीन है जो उसी पॉइंट पे उस प्लेन के ठीक नीचे है। कितना नीचे है, कितना डीप है सी लेवल से, 1200 मीटर डीप है सबमरीन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सी लेवल से सबमरीन जो है 1200 मीटर लो है, डीप है, और प्लेन क्या है कि 5000 सी लेवल से 5000 अबव है। सबसे पहले बोला गया है कि इनके बीच का वर्टिकल हाइट कितना होगा, या कह सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा। क्या पूछा है हमसे, वर्टिकल डिस्टेंस, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस पूछा गया है किस किसके बीच में, प्लेन जो कि 5000 मीटर अबव है और सबमरीन जो कि 1200 मीटर डीप है सी लेवल से। सो पहली बात तो ये कि हम इन दोनों में से सबमरीन में से और प्लेन में से किसे पॉजिटिव इंटीजर लेके चलेंगे और किसे नेगेटिव लेके चलेंगे, सबसे पहली बात तो ये। सो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि हम नंबर लाइन पे जब राइट की तरफ मूव करते हैं क्या होता है कि उस चीज को हम एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करके चलते हैं। अब देखिए, सी लेवल से एक प्लेन जो है ऊपर की तरफ उड़ रहा है, जब हम किसी चीज से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उस ऑब्वियसली बात है उस चीज के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, उसे हम एज अ पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करने वाले हैं, उसे हम एज अ पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करने वाले हैं। और सी लेवल से जितना हम गहराई में जाएंगे, जितना हम डीप जाएंगे, ऑब्वियसली बात है उस चीज को हम एज अ नेगेटिव इंटीजर कंसीडर करके चलेंगे। सो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि पॉजिटिव कौन होगा और नेगेटिव कौन होगा सी, ठीक है। सो पॉजिटिव हमारा होगा कि सी लेवल से जब हम ऊपर की तरफ गए, जब ऊपर की तरफ बढ़े तो हमारा जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है हमारी बढ़ती गई, यानी कि वो हो गया पॉजिटिव इंटीजर। और जब हम नीचे गए, गहराई की तरफ गए, डीप गए, तो वो चीज हो गई हमारी नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव। अब मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी। अब आप खुद ही देखिए, अगर मैं प्लेन से जो 5000 मीटर अबव है, पहले मैं उससे नीचे की तरफ आता हूं तो पहले मैं सी लेवल पर आऊंगा, सी लेवल के बाद में जाऊंगा सबमरीन के गहराई तक। तो पहले डिस्टेंस में कितना चला, 5000 चला पहले, और 5000 के बाद में कितना चला, 1200। सो टोटल डिस्टेंस कैसे निकल जाएगी, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकल जाएगी, अगर मैं 5000 को और 1200 को अगर सम अप कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारी निकल जाएगी, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस हमारी निकल जाएगी। क्योंकि पहले प्लेन से मैं नीचे चला सी लेवल तक तो 5000 मैंने मीटर चला, और सी लेवल से अगर मैं सबमरीन के पॉइंट तक जा रहा हूँ, डीप में जा रहा हूँ, तो 1200 और चलना पड़ेगा मुझे। सो 5000 प्लस 1200, सो मैं कह सकता हूँ, मैं रफ कर दे रहा हूँ सबमरीन का फिगर क्योंकि यहां लिखने के लिए जगह नहीं है। ओके, सो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ प्लेन प्लस डेप्थ ऑफ सबमरीन, ठीक है स्टूडेंट। सो क्या हो जाएगा, 5000 प्लस 1200
200. सो टोटली सो फाइनली टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी आ गई 6200 मीटर. सो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ गया आपका 6200 मीटर. बात समझ में आ गई कैसे आया, क्योंकि हमने पहले प्लेन से मैं सी लेवल आया सो 5000 चला, और सी लेवल से फिर मैं सबमरीन के एंड पॉइंट तक गया सो 1200 मीटर में चला. सो टोटली मैं कितना चल गया 6200. सो वर्टिकल डिस्टेंस बराबर किसका हो जाएगा 6200 मीटर के. ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 था. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है ना, चलिए ओके. सो क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं. एक बार पहले रीड कर लेते क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे. मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ 1642 रुपीज फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे. इफ विड्रॉल अमाउंट द विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट. फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट ऑफ द आफ्टर द विड्रॉल. पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोहन ने पहले 2000 रुपए पहले डिपॉजिट करे अपने अकाउंट में और उसके नेक्स्ट डे 1642 रुपीज विड्रॉल करे. अगर विड्रॉल अमाउंट को एक नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट द डिपॉजिट अमाउंट. तो सीधी सी बात है, जब पैसे निकालने को, विड्रॉल मतलब निकालना, जब पैसे निकालने को हम एज अ नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो पैसे को जमा करने पे, यानी कि पैसे को डिपॉजिट करने के लिए हम कौन सा साइन यूज करने वाले हैं. ऑब्वियसली बात है हम एक पॉजिटिव इंटीजर यूज करने वाले हैं पैसे को जमा करने के लिए या पैसे को डिपॉजिट करने के लिए. सो डिपॉजिट अमाउंट कितना है, डिपॉजिट्स अमाउंट कितना है 2000 रुपीज और विड्रॉल अमाउंट कितना है 1642 रुपीज. ठीक है, बोला गया है कि विड्रॉल अमाउंट को मैं एज अ नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि पैसे निकालने को तो मैं नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो पैसे को जमा करने पे, पैसे को डिपॉजिट करने के लिए मैं इसे पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा. अब पूछा गया है नेक्स्ट में, क्या पूछा गया है कि इस दोनों ट्रांजैक्शन के बाद कि मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है. बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट कितना हो जाएगा कि उसने 2000 तो उसमें डिपॉजिट किया है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 2000 रुपए उनने डिपॉजिट किया है. चलो ठीक है, मान लेते हैं भैया आपकी बात कि 2000 रुपए जो है मोहन ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. बट नेक्स्ट से क्या करा कि उसने 1642 रुपीज विड्रॉल भी तो कर लिया ना, निकाल भी तो लिया है ना, माइनस भी तो कर दिया ना. सो 1642 रुपीज आपको उसमें से घटा देंगे, 2000 रुपए जमा किए 1642 रुपए उसने निकाले. तो फाइनली उसके अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया है कि कितना रह गया है, माइनस कर लो कितना रह जाएगा 358 रुपीज. माइनस कर लो कि यही आ रहा है या नहीं, 358 रुपीज. देखेंगे कि 10-2 is 8, 9-4 is 5, 9-6 is 3 और 1-1 is 0. सो 358 रुपीज मोहन के अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन के बाद बचेंगे. बात क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर है ना, सबको हो गया है ना कि उसने 2000 रुपए जमा किए, 1642 रुपए उसने निकाल लिए. सो फाइनली उसके अकाउंट में 358 रुपए 358 रुपीज बचे हैं बैलेंस के. ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है एक बार रीड कर लो जल्दी से, फिर मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बताता हूं.
क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, रीड कर लो एक बार क्या कह रहा है। रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, फ्रॉम बी शी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ यू विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टुवर्ड वेस्ट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। क्या बोल रहा है कि जो रीता है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है रीता, ठीक है ना। ये इधर क्या है आपका ईस्ट है, ई ए एस टी ईस्ट, ईस्ट, और आपका इधर जो है ये वेस्ट है, ठीक है। तो रीटा क्या है कि पहले ईस्ट की तरफ गई है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वो कितना गई है 20 किलोमीटर गई है, 20 किलोमीटर रीटा जो है मूव करी है ईस्ट की तरफ। आप देख रहे हैं बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि रीटा क्या हुआ है कि ए से बी की तरफ गई है, रीटा ए से बी की तरफ गई है यानी कि वो राइट की तरफ बढ़ी है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम नंबर लाइन पे राइट की तरफ बढ़ते हैं वो इंटीजर वो नंबर क्या होता है, किसका होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, आपको पता है कि वो नंबर होता है पॉजिटिव। यानी कि रीटा क्या है कि 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ बढ़ी है, ए से बी तक गई है यानी कि वो प्लस में गई है, वो प्लस में 20 किलोमीटर गई बी पॉइंट तक। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पॉइंट बी से वो 30 किलोमीटर जो है वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, सेम रोड से वो बी से वेस्ट की तरफ कर रही है, कितना 30 किलोमीटर, जो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट कितना 30 किलोमीटर। सो पूछ रहा है कि जो 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला है, भाई अगर मैं 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, रीटा जो है 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है और वो एक पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जब रीटा उसी सेम रोड से वेस्ट की तरफ मूव करेगी 30 किलोमीटर, तो ये जो है 30 किलोमीटर किस साइन से रिप्रेजेंट करा जाएगा। सो आप क्लियरली देख रहे हैं कि जब 20 किलोमीटर वो ईस्ट में गई है राइट की तरफ गई है पॉजिटिव से हमने रिप्रेजेंट किया है, सो मैं इस 30 किलोमीटर को पहले बात तो नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, सो 30 किलोमीटर इज नेगेटिव। सो आप देखेंगे अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने में वो फाइनल पोजीशन क्या है उसकी, फाइनल पोजीशन कहां पर आएगी उसकी, फाइनल पोजीशन क्यों, क्योंकि वो 20 किलोमीटर तो गई है ना ईस्ट में, तो जब वो यहां से इधर की तरफ चलेगी तो ए पर आके वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि 20 किलोमीटर गई 20 किलोमीटर आ गई तो जीरो हो गई, बट जाना कितना उसे 30 किलोमीटर, सो 20 से 20 तक आ गई ना, तो 20 से 30 तक जाने में कहीं यहां पर उसकी फाइनल पोजीशन होगी। सो क्या हो जाएगा कि आपका 20 किलोमीटर पहले ईस्ट में गई, वो 20 किलोमीटर ईस्ट में गई और फिर 30 किलोमीटर वो वेस्ट में आई, सो 30 किलोमीटर वो वेस्ट में आई, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस विल बी माइनस, 30 माइनस 20 इज 10 और साइन बड़े वाले नंबर का, जो नंबर हमारा बिग है उसका साइन। और आप क्लियरली देख पा रहे हो ना क्या, 20 किलोमीटर आपका बी पे जाने में लगा, बी से दोबारा ए तक आने में 20 किलोमीटर, बट उसे बी से वेस्ट की तरफ जाना कितना है 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो यहां तक तो 20 किलोमीटर ही आ पाई है ना, वो यहां तक तो 20 किलोमीटर ही आ पाई है, 20 से 10 किलोमीटर और अंदर जाएगी और वेस्ट की तरफ जाएगी तभी तो वो टोटल 30 किलोमीटर आ पाएगी, बात क्लियर है। सो इसलिए फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 किलोमीटर, यानी कि उसे पॉइंट ए से वेस्ट में 10 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, सो वेस्ट में चल रहा है इसलिए उसे नेगेटिव, इसलिए माइनस का 10 किलोमीटर, बात क्लियर है, बात समझ में आ गई है।
अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि सर मुझे ये वाली चीज समझ नहीं आई है, इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दे, तो मैं वो डाउट आपका जरूर से क्लियर कर दूंगा, बट बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर सिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है कि यहां पर दो स्क्वायर दिए हुए हैं, दो स्क्वायर दिए हुए हैं, दो स्क्वायर दिए हुए हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि इन दोनों में से एक जो है मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर कैसे है कि उनका ये रो, ये कॉलम और ये डायगनल तीनों का जो सम आने वाला है वो सेम आने वाला है। क्या बोला मैंने कि इसका रो, इसका कॉलम और इसका डायगनल तीनों का अगर मैं सम करूंगा तो वो उसका आंसर सेम आएगा। जिस भी स्क्वायर का आंसर सेम आएगा इन तीनों केस में वही हमारा मैजिक स्क्वायर होगा। तो इन दोनों में से कौन मैजिक स्क्वायर होगा ये हमसे पूछा गया है। तो पहले मैं इसे सही से लिख लेता हूं, फिर जल्दी से इसे सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे इसे लिख लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले ये वाला, ठीक है, एक स्क्वायर बना लेते हैं एक और, चलिए ठीक है। ये जल्दी से नंबर बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से इसके नंबर लिख दो, क्या क्या इसमें पूछे गए हैं, क्या क्या है नंबर स्क्वायर में। 5 -1 -4 5 -1 -4, ठीक है, -5 0 -2 7 3 -3, ठीक है। एक स्क्वायर में ये नंबर है और एक में है 1 -10 0 -4 -3 -2 और -6 4 -7। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस वाले रूल जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको सिखाया है, वो बहुत अच्छे से यूज होने वाले हैं। सो ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे सबकी नजर होनी चाहिए। देखिए पहले मैं इस रो को ऐड करूंगा, फिर इस कॉलम को ऐड करूंगा, फिर मैं इसे डायगनल को ऐड करूंगा। सो पहले रो को ऐड कर लेते हैं, हम रो की बात कर रहे हैं, क्या होगा 5 +-1 और +-4, ठीक है, ये होगा ना, मैंने बोला ऐड करने के लिए। सो 5 +-1 + -4, सो 5 +-1 will be -, सो -1 +-1 will be -4, ठीक है। 5 -1 is 4, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, सो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 4, ये आपका हो गया 4, ठीक है, 4 और 4, ठीक है। सो +-, 4 -4 is 0, 4 -4 is 0, तो रो का आंसर आ गया 0, रो का आंसर आ गया 0। कॉलम की बात कर लेते हैं, कॉलम की बात कर लेते हैं, क्या होगा 5 +-5 + 0, ये हो ना, ये होगा स्टूडेंट। सो 5 +-will be -, और +0 कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि किसी भी इंटीजर में हम जीरो जोड़ेंगे, जीरो ऐड करेंगे, जीरो माइनस करेंगे, आंसर वही आएगा जो हमारा इंटीजर था, जैसे मैंने लास्ट पार्ट में आपको बताया था एडिटिव आइडेंटिटी, याद है ना। सो 5 +5 -5, सो +-will be -, सो 5 -5 is 0, सो 5 -5 is 0, 0 + 0 is also 0। तो क्या देखा कि मेरे कॉलम का भी आंसर 0 आ गया, मेरी रो का भी आंसर 0 आ गया। डायगनल की बात कर लेते हैं, डायगनल की बात कर लेते हैं कि डायगनल में आंसर क्या आ रहा है। ओके, सो डायगनल की तरफ चलते हैं, क्या है कि 5 5 + -2 + -3, ओके, क्या है कि 5 + -2 + -3, सो 5 +-will be -, सो 2, देन अगेन +-will be -3,
ओके सो 5 माइनस 2 इज 3, 5 माइनस 2 इज 3, पॉजिटिव 3 एंड नेगेटिव 3, सो प्लस माइनस इज माइनस, 3 माइनस 3 इज 0. तो डायगनल के लिए भी क्या आ गया कि डायगनल के लिए भी मेरे तीनों नंबर ऐड करने पर क्या आ गया, आंसर 0 आ गया. सो डायगनल के लिए भी आंसर 0 आ गया. सो स्क्वायर वन की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर वन मैजिक स्क्वायर होगा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि क्या हमारी कंडीशंस क्या थी कि हमारा रो, हमारा कॉलम और हमारा डायगनल को अगर मैं ऐड करूं, सम अप करूं, तो तीनों का एडिशन सेम आना चाहिए. सो कॉलम का भी एडिशन मेरा 0 आ रहा है, मेरा रो का भी एडिशन मेरा 0 आ रहा है और मेरा डायगनल का भी एडिशन 0 आ रहा है. सो मींस कि स्क्वायर वन क्या होगा, एक मैजिक स्क्वायर होगा. ओके स्टूडेंट, सो सेकंड वाला मैजिक स्क्वायर होगा नहीं होगा, सेकंड स्क्वायर मैजिक स्क्वायर होगा नहीं होगा, ये आपका रहेगा होमवर्क. सेकंड स्क्वायर एक मैजिक स्क्वायर है या नहीं, ये आपका होमवर्क है. आपको देखना है कि रो का एडिशन करने पर, आपका कॉलम का एडिशन करने पर और आपका डायगनल का एडिशन करने पर कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ये होमवर्क है आपका. तो आप मेरे लिए ये करके दिखाएंगे कि सेकंड वाला स्क्वायर क्या कि मैजिक स्क्वायर है या नहीं, ठीक है ना. होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको आपका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा हो जाए. ऐसे में करता मैं तो कर दूंगा, मतलब फर्स्ट मैंने करा है सॉल्व, मैं सेकंड भी कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट क्या है कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप अपने आप से करेंगे. सो स्क्वायर सेकंड एक मैजिक स्क्वायर होगा नहीं होगा, ये आपका होमवर्क है.